हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का। मेरे चैनल डेली जॉब अपडेट में आपका सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए वैकेंसी लेकर आए जो कि नागपुर सिटी में है और भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली ऐसे अलग सिटीज़ में भी आपको आज वैकेंसी देखने को मिलेंगी। दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और अभी तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, चलो देखते हैं। ये वैकेंसी स्कूल में निकले, आप देख सकते हैं श्री महर्षि विद्या मंदिर जो कि चंद्रपुर में CBSE पैटर्न स्कूल है। तो यहाँ पे टीचिंग नॉन टीचिंग के लिए है वैकेंसीज है। आप देख सकते हैं नॉन एकेडमिक सुपरवाइज़र चाहिए, यानी मिनिमम एनी ग्रेजुएट चाहिए। यहाँ पे एक जगह है, उसके बाद मार्केटिंग सुपरवाइज़र के लिए एक दो जगह निकले, यानी यहाँ पे भी एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते। देन फिजियोलॉजिकल काउंसलर के लिए MA फिजियोलॉजी में होना चाहिए, उसके लिए एक जगह है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है दोस्तों, तो यहाँ पे उन्होंने उनका ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी पर आपको आपका रिज्यूम इन्हें सेंड करना है। ठीक है, वैकेंसी सुनील ऑटोमोटिव में निकला, आप देख सकते हैं इन्होंने वेरियस पदों के लिए उन्हें वैकेंसी निकला। आप देख सकते हैं सेल्स जनरल मैनेजर के लिए वैकेंसी है, सेल्स मैनेजर के लिए SUV सेल्स एडवाइज़र, कस्टमर सर्विस मैनेजर, फाइनल इंस्पेक्टर सर्विस एडवाइज़र और बॉडी शॉप मैनेजर, यह जगह इन्होंने निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड दोस्तों, तो यहाँ पे उनका ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर जो कांटेक्ट नंबर दिया है इस पर कॉल करके आप पूरा डिटेल्स इनसे मांग सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी वर्धा के लिए आप देख सकते हैं DMIMS जो सावंगी मेघे में, दत्ता मेघे जो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे ये वैकेंसी निकला। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकल एग्जीक्यूटिव के लिए 3 जगह है, हेल्प डिस्क एग्जीक्यूटिव के लिए 1 जगह है, शिफ्ट इंजीनियर के लिए 7 जगह है, सुपरवाइजर के लिए 5 जगह है, डीजी ऑपरेटर के लिए 1 जगह है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 10 जगह है, प्लम्बर के लिए 7 जगह है, यानी जिसका ITI हुआ होगा प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन में वो यहाँ पे अप्लाई करें। उसके बाद HAVS ऑपरेटर के लिए 4 जगह है, मेसून के लिए 2 जगह है, कारपेंटर के लिए 4 जगह है, यानी ये यहाँ पे ITI ये डिप्लोमा वाले यहाँ पे भर सकते हैं। वैसे भी RO टेक्नीशियन के लिए 3 जगह है, AC टेक्नीशियन के लिए 5 जगह है, हेल्पर के लिए 4 जगह है, फिटर के लिए 2 जगह है, STP ऑपरेटर के लिए 5 जगह है, फायर सुपरवाइजर के लिए 1 जगह है, फायर अटेंडेंस एंड टेक्नीशियन के लिए 4 जगह है। यानी यहाँ पे मिनिमम 12th ग्रेजुएशन और ITI जिसका हुआ है और डिप्लोमा जिसका इंजीनियरिंग में हुआ होगा जो दिए गए फील्ड में, तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में फायर सेफ्टी का जिसने कोर्स किया होगा उसके लिए, उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज अच्छा है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड दोस्तों, को यहाँ पे 26 अगस्त को वहाँ यहाँ इन्होंने वॉकिंग इंटरव्यू रखा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपकी इस पे दिया हुआ है, आपको क्या करना है, जो आपके डॉक्यूमेंट है और आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका फोटो कॉपी निकल कर जो दिए गए एड्रेस पर है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबमिट करना है शायद। तो आप यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूरा डिटेल्स इनसे मांग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम डेली बेसिस पे ये चैनल पर आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको जो हम वीडियो डालते हैं वो टाइम पर मिलेगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसका लाभ हर किसी को मिलेगा। ठीक है, वैकेंसी निकले आप देख सकते हैं दोस्तों, गोपिका बाई भूरे महिला महाविद्यालय जो तुमसर डिस्ट्रिक्ट भंडारा में, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्हें इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 2 जगह निकाले, सोशियोलॉजी के लिए 2 है, मराठी के लिए और इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए 2-2 जगह इन्होंने निकाले हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पे 1 सितंबर को वॉकिंग इंटरव्यू रखा है इन्होंने। आप देख सकते जो सब्जेक्ट दिया है उस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने निकाला, जैसे कि 10, 11, 12 और 1, यानी 10 से स्टार्ट होगा 1 बजे तक। ठीक है, तो जो कोई यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ पे दिए गए डेट को आप जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट लेकर। ठीक है, यहाँ वारदा अमरावती के लिए वैकेंसी आप देख सकते हैं, वुमन हरी पेटे ज्वेलर्स में ये निकली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्हें अनुभवी सेल्स गर्ल्स और ऑफिस बॉय के लिए इन्होंने वैकेंसी नहीं, आप देख सकते हैं सेल्स मैन या सेल्स गर्ल्स के लिए 12वीं पास और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होगा और ग्रेजुएशन पास होगा, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन ऑफिस बॉय के लिए मिनिमम 10वीं इन्होंने मांगा है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है दोस्तों, तो यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सी इंडियन कल्चरल हॉलीडे स्कूल जो कि अमरावती ब्रांच के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए 1 जगह है, फुल टाइम है, उसके बाद डांस टीचर के लिए 1 जगह है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड है तो आपको यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको इनसे बात करके पूरा डिटेल्स लेना है। ठीक है,
हुतमा राष्ट्रीय आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज जो कि आष्टी डिस्ट्रिक्ट वर्धा में है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने फैकल्टी के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाले हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दो जगह निकले, जियोग्राफी पढ़ाने के लिए दो जगह है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक जगह है, केमिस्ट्री जूलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के लिए दो दो जगह है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है दोस्तों तो यहाँ पे इन्होंने वॉकिंग इंटरव्यू रखा है 2 सितंबर को, तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो आपको 10 से 3 बजे ये टाइम के बीच में आपको यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जाना है। तो आपको जो आपके डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के साथ 2 कॉपी आपको फोटो कॉपी इसकी निकाल कर आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। तो दोस्तों आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ठीक है। श्री मनोहर राव कामड़ी महाविद्यालय जो कि नागपुर में आप देख सकते हैं, महाल में ये कॉलेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए वैकेंसी उन्होंने निकाले, आप देख सकते हैं। मराठी सब्जेक्ट पढ़ाने, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और कॉमर्स, यह सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए। और साथ में आर्ट एंड कॉमर्स जो नाइट कॉलेज है जो नाम महाल में ही है, तो अगर नाइट के लिए भी इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो आप पूरा स्क्रीन पर डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो आपको क्या करना है, 29 अगस्त को इन्होंने वॉकिंग इंटरव्यू रखा है, तो आप डायरेक्ट यह दिए गए एड्रेस पर वॉकिंग इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। श्री पंढरीनाथ आर्ट एंड कॉमर्स साइंस जो कि नारखेड़ डिस्ट्रिक्ट नागपुर, यहाँ पे ये वैकेंसी निकली है। यहाँ पे इन्हें कॉमर्स फैकल्टी के लिए उन्होंने 2 जगह निकले, यानी कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 2 जगह है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है दोस्तों तो आपको 30 अगस्त को यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जाना है दिए गए एड्रेस पर, ठीक है। यह वैकेंसी रेणुका कॉलेज जो कि नियर बैंक ऑफ इंडिया बेसा नागपुर के में है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्हें 4 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए, आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए 2 जगह निकली है, जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए 2 जगह है, मराठी के लिए 1 जगह है और कॉमर्स के लिए 2 जगह है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में एजुकेशन हुआ है, यानी पीजी हुआ और साथ में अगर आपका नेट सेट या पीएचडी क्वालिफाइड होंगे तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वॉकिंग इंटरव्यू रखा है, आप देख सकते हैं 30 अगस्त को इन्होंने वॉकिंग इंटरव्यू रखा है। तो आपको 30 अगस्त को आपकी जो डॉक्यूमेंट है और उसके जेरोस कॉपी निकल कर आपको यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जाना है। आप पूरा डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप एक बार पढ़कर पढ़ सकते हैं। बजाज कॉलेज ऑफ साइंस जो कि वर्धा में, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इन्हें टीचर्स के लिए उन्होंने वैकेंसीज निकाले हैं। यानी यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए 10 जगह निकली है, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए 4 जगह है, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के लिए 3 जगह है, मराठी के लिए 1 जगह है, बॉटनी के लिए 4 जगह है, जूलॉजी के लिए 4 जगह है और माइक्रोबायोलॉजी के लिए 4 जगह है। तो आप पूरा देख सकते हैं स्क्रीन पर, पूरा डिटेल दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो आपको 1 सितंबर को यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जाना है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 10 बजे आपको दिए गए एड्रेस पर जाना है, अगर ठीक है। तो आप जब जाओगे तो आपके साथ जो डॉक्यूमेंट है आपके लिए और उसके 2 फोटोकॉपी निकाल कर आपको यहाँ पे जाना है इंटरव्यू के लिए। ये नबीरा महाविद्यालय जो काटोल में है, आप देख सकते हैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। तो यहाँ पे भी टीचर्स के लिए उन्हें वैकेंसी है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए 4 जगह है, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए 2 जगह है, जूलॉजी के लिए 1 जगह है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक और कॉमर्स, ऐसे कॉमर्स और साइंस फैकल्टी के लिए वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है दोस्तों तो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन पीजी होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन दिए गए सब्जेक्ट में और साथ में नेट से अगर आप क्वालिफाइड हो गए तो वेल एंड गुड, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने 1 सितंबर को वॉकिंग इंटरव्यू रखा है, आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जाना है 1 सितंबर को। आप टाइम देख सकते हैं जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टाइमिंग दिया है, इस सब्जेक्ट यह टाइमिंग को यहाँ पे इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो आप जब जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट उसके 2 फोटोकॉपी निकाल कर आपको यहाँ पे जाना है। तो अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसे ना भूलिए। ये वैकेंसी सिविल इंजीनियर के लिए, आप देख सकते हैं, जूनिपियर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे ये वैकेंसीज हैं। तो इन्होंने सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी, आप देख सकते हैं, जिसमें ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद इंटरनेट प्रिपेयर है, उसके बाद आपका बी सिविल में होना चाहिए और साथ में 5 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो वेल एंड गुड। तो आपको यहाँ पे 30 अगस्त के पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर दिया है, आप देख सकते हैं, 9960049215, ये इनका मोबाइल नंबर है। तो आपको इन्हें कांटेक्ट करके यहाँ पे जाना है और इनका यहाँ पे एड्रेस भी दिया है, देख सकते हैं, प्लॉट नंबर 2 जूनिपर हेमंत, 5th फ्लोर IT पार्क, साउथ अंबाझरी रोड, नागपुर। यहाँ पे इनका
एड्रेस है, तो आप यहाँ पे इनसे जाकर एक बार मिल सकते हैं, ठीक है। श्री गुरुदेव विद्यालय गिरोला तालुका जिला गोंदिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शिक्षक और क्लर्क के लिए वैकेंसी है, यानी टीचर के लिए 9th और 10th क्लास दो पढ़ाने के लिए वैकेंसी है, और मैंने यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं जिसका बीएससी बीएड हुआ होगा मैथ में, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मिनिमम आपको 8,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा। देन उसके बाद पे क्लर्क के लिए वैकेंसी है, आप देख सकते हैं जिसका ग्रेजुएशन और एमएससी आईडी का कोर्स उन्होंने किया होगा, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो 10 सितंबर को यहाँ पे इंटरव्यू रखा है 10 बजे, तो आप यहाँ पे दिए गए एड्रेस पर आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ जो कि अकोला कॉलेज एग्रीकल्चर जो कि नागपुर में, आप देख सकते हैं दोस्तों स्पेशली नागपुर सिटी के लिए वैकेंसी उन्होंने निकले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचर्स के लिए उन्होंने जगह निकले हैं, यानी एग्री आप देख सकते हैं टीचर कॉलेज है, तो जिसका एमटेक या नेट से क्वालिफाई होगा और एग्रीकल्चर इंजीनियर में, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पद इन्होंने निकाला है, और जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक है, तो यहाँ पे 5 मंथ का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, यानी 5 मंथ के यहाँ पे जॉब मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इन्होंने पेमेंट भी दिया है, एंड 25,000 आपको पर मंथ यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है जॉब करने के लिए, तो दोस्तों इन्होंने 9 सितंबर को वॉकिंग इंटरव्यू रखा है, दिए गए एड्रेस पर, आप स्क्रीन पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ये वैकेंसी न्यूजाबाई हितकर्णी कॉलेज जो कि ब्रह्मपुर डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने टीचर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। आप पूरा स्क्रीन पर आपका क्राइटेरिया दिया, आप देख सकते हैं इंग्लिश, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, होम इकोनॉमिक, यह सब्जेक्ट के लिए इन्हें टीचर्स चाहिए। अगर यहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो तो उन्होंने 29 अगस्त को सुबह 11 बजे यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू रखा है, आप देख सकते हैं एनएच कॉलेज ब्रह्मपुरी डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, यह इनका कॉलेज एड्रेस है। तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ में फोटोकॉपी दो निकाल कर आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। ये वैकेंसी महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि नागपुर में, आप देख सकते हैं वरणगाँव पोस्ट डोंगरगाँव डिस्ट्रिक्ट नागपुर यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेट ऑफिसर कम मैनेजर के लिए एक जगह, यानी ओपन जगह है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट के लिए एक ओबीसी के लिए है और एक एससी के रखे हुए। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट के लिए एक जगह है, जूनियर प्लम्बर के लिए एक जगह है, एंड पंप मैकेनिक के लिए एक जगह, यानी जिसका आईटीआई हुआ होगा जूनियर, या उसके बाद अकाउंटेंट के लिए यानी कॉमर्स लगता है। देन स्टेट ऑफिसर के लिए यानी मिनिमम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म इसका डिटेल्स इनकी वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर पूरा डिटेल्स इनका दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है दोस्तों, तो आपको 10 सितंबर के पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो इसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे निकम उर्दू हाई स्कूल पंचगवान तालुका तेलहरा जिला अकोला में निकला, दे सकते यहाँ पे इन्हें 6th से 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाला, जैसे 2 पदों के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाला है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, तो जिसका बीए बीएससी या बीए बीएड सभी हुआ होगा, तो आप यहाँ पे उर्दू माध्यम के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पेमेंट भी आपको गवर्नमेंट की सबसे जो है, तो वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है, तो आपको सप्टेम्बर को यानी मंगलवार को इन्होंने वॉकिंग रखा है, आप देख सकते 11 बजे दिए गए जो स्कूल का एड्रेस है, यहाँ पर आपको जॉब के लिए यानी इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अभी तक क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम इतना आपके लिए मेहनत करते हैं, तो बस इतना आपका करना है। क्योंकि आप इतना करोगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करोगे, तो हम भी आपके लिए ऐसे ही नए नए वैकेंसीज आपके लिए डेली बेस पर लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।